हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका फैशन। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं मेकअप लुक नहीं शेयर करने वाली हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस। कि जैसे आप सब ने बहुत सुना होगा, अभी HO करके एक साइट है जहाँ से मेकअप के प्रोडक्ट वगैरह ऑर्डर करते हैं एंड काफ़ी डिस्काउंट होता है। बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया, मैंने भी उसके रिव्यू वगैरह देखे थे तो मुझे भी ठीक लगा था, मैंने ऑर्डर किया। सो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था ब्लैक जैक 21 आई शैडो पैलेट। तो ये पैलेट मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था और पैलेट वगैरह अच्छी है, बट इसके पीछे एक स्मॉल सी स्टोरी है। तो मैं कहीं आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ हुआ क्या था कि मैंने इसे ऑर्डर किया था एंड सेकेंड डे ही ये मेरे पास डिलीवर्ड हो गया था। मेरे पास जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ था, तो मैं उस टाइम पे मैं बिजी थी और भैया ने मतलब मुझे ऑर्डर ला बोला, तो मैंने लेके उसे रख दिया एंड उस टाइम पे मैं बिजी थी। आधे घंटे बाद आई मैं, तो मैंने उसे बॉक्स को ओपन किया। उसमें निका के 3 आई शैडो कलर थे, जो कि उसका अमाउंट बहुत कम था मेरे आई शैडो पैलेट के हिसाब से। उस टाइम पे मुझे मतलब बहुत ही मैं शॉक्ड हो गई कि मेरा मतलब 1000 रुपये के अराउंड ये आई शैडो का पैलेट था और मुझे क्या रिसीव हुआ है। इनका कुछ मतलब कस्टमर केयर नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कॉल किया, वहाँ पे कोई फ़ोन वगैरह कोई रिसीव नहीं करता है। कई बार मैंने ट्राई किया, फ़ोन लगा नहीं, कभी स्विच ऑफ जा रहा था। देन उसके बाद फिर मैं काफ़ी परेशान हो गई। मैंने वहाँ पे उनके मैसेंजर पे मैंने रिप्लाई वो मैसेज किया कि मुझे मतलब अपोजिट जो मुझे ऑर्डर किया था वो मुझे नहीं मिला है, मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट मिला है। वहाँ से आज 1.5 महीने हो गए, वहाँ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है गाइस। उसके जिस दिन डिलीवर्ड हुआ उसके 1 से 1.5 घंटे बाद मेरे पास एक कॉल आती है, किसी लड़की की कॉल थी। बोलती है कि मेरे पास भी एक्चुअली जो मैंने ऑर्डर किया था वो आई शैडो मेरे पास मतलब रिसीव नहीं हुआ है और कुछ और ये हाँ उन्होंने बोला कि मेरे पास रूट ब्लैक जैक करके आई शैडो पैलेट रिसीव हुआ है। अगर मैं ही रहती हूँ तो आप इसको एक्सचेंज कर लो, क्योंकि वो नंबर तो मेरे से मिल नहीं रहा है, वहाँ पे कॉल भी नहीं लग रही है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अगर उन्होंने प्रोसेस किया भी तो कितना टाइम लगेगा। वो लड़की आई और उन्होंने मुझे ये वाला आई शैडो उन्होंने ओपन कर लिया था, मैंने भी ओपन कर लिया था। उन्होंने फिर मुझे ये आई शैडो पैलेट दिया। देन उसके बाद उनका प्रोडक्ट वापस किया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि HOK की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है मुझे कि आपके पास अभी प्रोडक्ट पहुंच गया या नहीं पहुंचा। मुझे नहीं समझ में आता है मैं नेक्स्ट टाइम वहां से ऑर्डर करूं या नहीं करूं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ ये हो चुका है। जबकि मैंने ऑर्डर करने से पहले उनका बहुत सारा यूट्यूब वीडियो पर भी बहुत सारे लोगों ने डाल रखा है कि हाँ बहुत अच्छा है, साइट है, बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं। पता नहीं गाइस, मेरा ये एक्सपीरियंस रियल एक्सपीरियंस है। मेरा ये रियल एक्सपीरियंस है, मैं अभी कुछ क्या ही कहूँ। मेरे साथ तो मैं तो शायद ही कभी इसमें HOK में कभी ऑर्डर कर पाऊँगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि Amazon हो या Nykaa हो, अगर मैं वहाँ पे थोड़ा मुझे कॉस्टली भी प्रोडक्ट मिल रहा है तो मैं बाय करूँगी, क्योंकि सपोर्ट में उनके कस्टमर केयर बैठे हैं कि हाँ कुछ रॉन्ग प्रोडक्ट उन्होंने सेंड किया तो वो रिसीव मतलब रिटर्न करेंगे या कुछ भी है। बट यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं, एक बार आ गया तो आ गया, फिर आपको रखना है, कोई रिप्लाई नहीं है। या मैं तो कह रही हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट नहीं भी भेजा तो मैं क्या करूँगी। ये था गाइस मेरे पास ये HOK का एक्सपीरियंस। पता नहीं आपके साथ कैसा हुआ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।